वेलकम बैक टू मिरेकलोनी क्लासेस। मैं मिसली एंड यू आर वाचिंग मिरेकलोनी क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आजकल हमारी कोचिंग के स्टूडेंट्स फर्श पे धूम मचा रहे हैं, आप लोगों को पता ही है। और कई सारी आपने वीडियोस देखी होंगी जो मेरी कोचिंग के स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे अच्छे मार्क्स लाएँ, लेकिन उतने अच्छे भी नहीं लाएँ कि जिससे मैं पूरा खुल करके प्रशंसा करूँ। खुल करके प्रशंसा तो तब होगी जब बच्चे 450 प्लस मार्क्स लाएंगे, क्योंकि हाईएस्ट तो 434 तक पहुँच पाया है, उसके नीचे 431, 428, 420 ऐसे करके। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो फुल टू फुल मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, है ना। लेकिन देखते हैं आगे वाले आने वाले समय में, आगे आने वाले ईयर में हमारे स्टूडेंट्स शायद मेरी उम्मीद पे खरे उतरेंगे। जैसे कि कमलेश से मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में बात की थी, उस बंदे ने कहा कि सर 450 पार कर जाएंगे, चाहे जैसे भी हो कर जाना है, है ना, या तो कर जाएंगे या मर जाएंगे। खैर, तो मैं बुलाना चाहूँगा सेकेंड स्थान पर आना चाहेगा एक और स्टूडेंट जिसने मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लाए हैं, उतने अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं लेकिन अच्छे मार्क्स हैं। वह स्टूडेंट है सुजीत कुमार। सुजीत का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल मिरेकलोनी क्लासेस पे तुम्हें सुजीत, है ना। थैंक यू। यहां करके कैसी फीलिंग हो रही है, फर्स्ट क्वेश्चन है तुम मेरा। बढ़िया फीलिंग हो रही है। कैमरे पे पहली बार आए हो? जी। अच्छा, तब तो थोड़ी बहुत हेजिटेशन हो सकती है। सुजीत कितने मार्क्स आए इस बार तुम्हारे? 414। अच्छा, 414 मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, अच्छी बात है। देखो 400 पार करने का मतलब है कि सराहनीय मार्क्स होना, प्रशंसनीय मार्क्स होते हैं। चार के नीचे वाले मार्क्स तो मेरे ख्याल से कोई मार्क्स होते ही नहीं है, लेकिन जो लोग चार पार कर रहे हो मेरे ख्याल से उन लोगों ने मेहनत की है, विदाउट मेहनत तो कुछ होता नहीं है। अच्छा सुजीत, मैं बताना चाहूँगा, तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मैट्रिक में इंग्लिश की कोई वैल्यू नहीं होती है, मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, मैंने तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई है और हिंदी विंदी भी पढ़ाई है, ठीक है। तो हिंदी का तो पूरा फ़र्ज बनता है कि मैं पूछूं, क्योंकि उसके मार्क्स जुड़े हैं, और फ़र्ज तो इंग्लिश का भी बनता है, वो भी पूछूंगा। फिलहाल हिंदी में कितने मार्क्स आए? 83 मार्क्स आए, उतना खास नहीं है, ताले बजाने की ज़रूरत नहीं है। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, इंग्लिश में कितने आए? 64 ही आए, क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं और ऐसे भी ध्यान व्यान नहीं गया होगा। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि 64 इंग्लिश के जो तुम्हारे मार्क्स आए वो तुम्हारे कारण आए, या फिर तुम अच्छे लिखे थे फिर भी उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए? मेरे कारण भी आया, मतलब अच्छे भी लिखे थोड़ा मेरा। अच्छा, तुमने तो सिर्फ ग्रामर पढ़ा था? मैंने तो सिर्फ ग्रामर पढ़ाया था, वो भी नॉर्मल पढ़ाया था। लॉकडाउन के दौरान इतना समय वेस्ट हुआ था कि आदमी काट छांट करके चैप्टर को पढ़ाया हुआ था, है ना। फिर भी मैंने सिर्फ ग्रामर पढ़ाया, बुक कभी पढ़ाने की कोशिश नहीं की, फिर भी तुमने 64 मार्क्स लाए, तुम्हें क्या कम लगता है? बहुत कम लगता है। बहुत कम, कितने की उम्मीद थी? 80 प्लस। 80 प्लस की उम्मीद थी। लिखे थे कितने? 75 प्लस लिखे थे। 75 प्लस और 80 की उम्मीद कर रहे हो, पॉसिबल नहीं है। खैर कोई बात नहीं है, सो सॉरी, है ना। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि सुजीत 64 इंग्लिश में तुम्हारे मैट्रिक में आए, नो प्रॉब्लम। 83 हिंदी में आए, है ना, 83 आए हैं, ये अच्छा मार्क्स है मैं जहाँ तक कहना चाहूँगा, ठीक है। 80 प्लस है तो ठीक है। चलो दो तीन क्वेश्चन और करना चाहूँगा, है ना। पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि जो कि हर स्टूडेंट से मैंने किया हुआ है, 414 मार्क्स से कितना सेटिस्फाइड हो? जी, मैं 430 मतलब पार। 430 की उम्मीद थी जी, टारगेट था। ओके, बाकी हर स्टूडेंट से मैंने पूछा कि अच्छे मार्क्स के पीछे क्या कारण है, क्या राज है, तुम क्या कहना चाहोगे? जी, मैं मतलब एक दो घंटा मतलब ऑनलाइन क्लासेज मतलब किया हूँ, और सेल्फ स्टडी मतलब क्लियरली से किया। कितने घंटे चलते थे सेल्फ स्टडी? 8 से 9 घंटे। 8-9 घंटे ऑनलाइन क्लासेस कितने? 2 घंटे। मैथ और साइंस कोचिंग में कितने घंटे? 1.5 घंटे। इंग्लिश कोचिंग में कितने घंटे? अबाउट 1.5 घंटे। अब बताओ कुल मिलाकर कितने हो गए होंगे? मेरी मैथ्स कमज़ोर है, तुम ही बताओ। 13-14 घंटे हो गए। 13-14 घंटे। कितने घंटे सोते थे? 4-5 घंटे? 6 घंटे? 6 घंटे। 6 घंटे। बंदे ने जितनी मेहनत की हुई है, है ना, इस बंदे की मेहनत ने रंग तो लाया, लेकिन सुजीत करवा बात बोलूं वो रंग नहीं लाया जो लाना चाहिए। 14 घंटे टाइम देने का मतलब है कम से कम 430 या 40 पार करना चाहिए था। तुम्हें इस बात की खुशी है या अफसोस है? अफसोस है। कितना? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। इस अफसोस को कंप्लीट करने के लिए, इसकी पूर्ति के लिए क्या करना चाहोगे? मैं इंटर में 90 प्लस मतलब लाना चाहता हूँ। 90 प्लस यानी 90% बोलो। अच्छा, 90% प्लस लाना चाहते हो। गिव अ बिग हैंड, होना चाहिए। कोशिश करोगे 90
परसेंट प्लस लाने की कोशिश करोगे? नहीं, कोशिश नहीं करेंगे, ला देंगे। ला देंगे, गिव अ बिग हैंड, ला देंगे। कोशिशें हर बार सफल नहीं होती, ला दोगे। याद रखना, कैमरा हमारे सामने लगा हुआ है ना, और मैं जो भी बोलता हूँ फ्रेंकली बोलता हूँ, क्या सही है क्या गलत है आई डोंट नो, लेकिन तुमने याद रखना, तुमने ज़ुबान दे दिया है कि तुम 90% प्लस लाओगे। जितने हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स और फ्रेंड्स हमारे देख रहे हैं, उनकी उम्मीदों को ठेस ना पहुँचे। कमलेश सिंह से पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी, जिसने 434 मार्क्स लाया था बंदे ने, और उस बंदे से पूछा गया कि इस बार कितने लाने वाले हो, तो उसका भी यही टारगेट है ना। लेकिन कहने का मतलब है कि उसने भी वादा किया कि हम भी 450 पार कर जाएंगे। अब 450 बंदा पार करता है ना, किस हद तक कितना पार कर पाता है, ज़ुबान तो उसने भी दी है। मैं इन दो स्टूडेंट्स को देखना चाहूँगा। और भी वीडियो में मैंने आपसे बात की थी, जिसमें मैंने कई सारे स्टूडेंट्स के नंबर पूछे और आने वाले समय के भी मार्क्स पूछे। उन लोगों ने भी यही बात कही कि सर इससे बेटर ज़रूर करेंगे। रियली में कर पाओगे? यस सर। अपना बेस्ट कितना दे सकते हो इसके लिए? बेस्ट देने का मतलब है 13-14 घंटे मेहनत करके तुम 414 ला पाए, सिर्फ 414, जो कि कुछ खास नहीं है मेरे ख्याल से। तो फिर 90% के लिए कितने घंटे देने पड़ेंगे? शायद घंटे से नहीं होता सर, मतलब केयरलेस से होता है, मतलब ध्यानपूर्वक पढ़ने से। क्या बात है, एक बार और ताली होनी चाहिए। यही चीज़ मैं बार बार साबित करने की कोशिश करता हूँ। इसने 13 घंटे पढ़े या 14 घंटे, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है कंसेंट्रेशन कितना था। डूबे हुए लोग सफलता पाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने टारगेट के लिए सोचते हैं ना, तो उनके हाथ की उंगलियां तक जल जाती है। हमारे एक डायरेक्टर साहब थे, शायद प्रोड्यूसर थे, नौशाद अली खान ऐसे कुछ, कि जब अपने टारगेट को लेकर सोचते थे ना, तो सिगार पिया करते थे और सोचना शुरू करते थे, तो ध्यान ऐसा लगाते थे कि ये उंगलियों को भेद जाता था जल करके सिगार। उसके बाद पता चलता था कि अरे जल गया, सारी उंगलियाँ उनकी भेदी हुई थी, आग से जली हुई थी। अपने टारगेट के बारे में कुछ ऐसा सोचना कि दुनिया मर भी रही है ना, उसका परवाह ना हो। डूबे हुए लोगों ने इतिहास रची है, डूबे हुए लोगों ने वो काम किया है जो शायद बहुत ही कम लोग करते हैं। सो सुजीत का कहना है कि सुजीत डूब कर पढ़ाई करेगा और 90% का आंकड़ा ज़रूर पार करेगा। एक बार जब तुमने लिख दिया, एक बार जब तुमने डिटरमाइन कर दिया, तो याद रखना कि चैन से सोना नहीं होगा तुम्हें, क्योंकि जिस प्रकार से सचिन तेंदुलकर जी ने लिख दिया था वो ब्रेन हॉग है ना, कि उस बॉल पे कि ये दिन तेरी ज़िंदगी में फिर कभी दोबारा नहीं आएगा, और कभी नहीं आया। वो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी है ना। सो मैं बता देना चाहूँगा सुजीत को लेकर के, ये बताना चाहूँगा, जस्ट वन मिनट। ब्रेन हॉग ऐसे ही कुछ नाम था, मैं उतना क्रिकेट तो नहीं देखता हूँ, लेकिन नाम कुछ ऐसा ही था। नया नया बॉलर था बंदा, स्टेडियम में आया, सचिन तेंदुलकर से उसका काउंटर फिट हुआ, उसका सामना हुआ, और इस बंदे ने कुछ गेंद खिलाए और उसके बाद इसने विकेट आउट कर दिया सचिन तेंदुलकर को। और सचिन तेंदुलकर का विकेट लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। लग रहा था जैसे कि दुनिया की सारी खुशियाँ उसे मिल गई हो। और पता है आपको कि सचिन तेंदुलकर जी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो विकेट आउट बहुत ही कम हुआ करते हैं, है ना, और हाँ विकेट आउट बहुत ही कम हुआ करते हैं, और इस नए बॉलर ने उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया कुछ दूर तक विकेट को, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। खेल ख़त्म हुआ और वो बॉलर दौड़ता हुआ उनके पास गया और बोला कि सर मैं आपका एक ऑटोग्राफ चाहता हूँ, क्योंकि पता है आप जैसे खिलाड़ी को मैंने आउट किया है, मैं तो अभी एक नौसिखवा हूँ, अभी तो नया बॉलर हूँ, आपको आउट करने का मतलब है बहुत बड़े अचीवमेंट होना, आप मुझे अपना ऑटोग्राफ यहाँ पर इस बॉल पर दो, मैं इस बॉल को ज़िंदगी भर संभाल करके रखूँगा। सचिन तेंदुलकर जी ने उस बॉल को लिया और उस पर उन्होंने लिखा, पता है क्या लिखा, कि ये दिन तेरी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। ये लिखने के बाद आप मुझे बताओ कि सचिन तेंदुलकर जी मस्ती किया करते होंगे, बियर पिया करता होंगे, हो सकता है फास्ट फूड खाया करते होंगे, लापरवाहियाँ किया करता होंगे, नहीं ना। एक बार जब उन्होंने लिख दिया कि ये दिन तेरी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएगा, और आया भी नहीं। लोग कहते हैं कि 40 से 50 एनकाउंटर हुए दोनों के बीच, सचिन तेंदुलकर और उस बॉलर के बीच, लेकिन वो बॉलर उनकी विकेट एक बार भी नहीं ले पाया, कैच आउट तक भी नहीं कर पाया, विकेट उखाड़ना बहुत दूर की बात थी। तो ये होती है सुजीत की, एक बार लिख दिए ना, एक बार बोल दिए इतने सारे लोगों के बीच, लग जाओ आज से, है ना, आज से लग जाओ। वाकई में लग जाओगे तुम? जी जी। रियली? यस। गिव अ बिग हैंड। तो सुजीत से आपने क्या सीखा, क्या क्या बातें हुई,
आपको कितना हद तक पसंद आया आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बेसब्री से इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। ऑल द बेस्ट।